हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, बायचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बायचुंग्स। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? मींस इसमें देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हिंदी में बोल रहा है कि बायचुंग्स के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब पहले ये बताइए कि बायचुंग के दादाजी और बायचुंग के पापा जी, यानी बायचुंग बड़े हैं, सबसे छोटा कौन है? बायचुंग छोटे हैं, या बायचुंग के पिताजी छोटे हैं, या बायचुंग के दादाजी छोटे हैं? तो जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसी को हम लेट करते हैं सबसे पहले। तो बताइए हमें कि बायचुंग छोटे हैं या बायचुंग के दादाजी छोटे हैं या बायचुंग के पिताजी। जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, तो आप छोटे होंगे या आपके पिताजी छोटे होंगे या आपके दादाजी छोटे होंगे, तो आप ही छोटे होंगे। वैसे ही बायचुंग छोटे हैं या बायचुंग के पिताजी या बायचुंग के दादाजी, तो कौन छोटा होगा? बायचुंग छोटे होंगे, है ना? कौन छोटा होगा? बायचुंग छोटे होंगे। तो सबसे पहले लेट किसको करेंगे? बायचुंग को लेट करेंगे। लेट बायचुंग से क्या राइट करेंगे? हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन राइट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, लिखेंगे क्या? लेट बायचुंग्स एज, बायचुंग्स एज बी यक्स इयर्स, मींस माना बायचुंग की आयु बराबर यक्स वर्ष। अब बायचुंग के बाद बायचुंग के पापा आएंगे कि बायचुंग के दादाजी? तो बायचुंग के पिताजी आएंगे। तो बायचुंग के पिताजी जो है बायचुंग से कितने बड़े हैं? 29 साल बड़े हैं। तो क्या लिखेंगे आप? बायचुंग्स फादर इज बी इक्वल, कितना हो जाएगा? तो बायचुंग जितने साल के हैं, कितने साल के हैं बायचुंग? यक्स इयर्स के हैं, और यक्स में अगर प्लस 29 कर दिया जाए तो किसकी एज निकल जाएगी? बायचुंग के पिताजी की एज निकल जाएगी, है ना? क्योंकि बायचुंग के जो पिताजी हैं वो 29 इयर्स क्या है? बड़े हैं। किससे? बायचुंग से। तो क्या लिखेंगे यहां? एंड और बायचुंग के पिताजी की आयु बराबर यक्स प्लस 29 वर्ष। अब किसको मानेंगे? अब दादाजी को। तो दादाजी की बात कर रहा है कि जो बायचुंग के दादाजी हैं वो बायचुंग के पिताजी से 26 इयर्स बड़े हैं। किससे? बायचुंग के पिताजी से, यानी बायचुंग के जो फादर हैं, बायचुंग के फादर की एज प्लस 29 इयर्स है। और जब बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज देखेंगे तो जितनी बायचुंग के फादर की एज होगी उसमें प्लस 26 कर दो, किसकी एज निकल जाएगी? ग्रैंडफादर की। क्या लिखेंगे? बायचुंग्स ग्रैंडफादर एज एज डी इक्वल, कितना हो जाएगा? मैंने क्या कहा कि जितना बायचुंग के पिताजी हैं, जितने साल के बायचुंग के पिताजी हैं उसी में, यानी बायचुंग के फादर कितने इयर्स के हैं? यस प्लस 29 इयर्स के हैं, और इसी में अगर हम प्लस 26 कर दें, क्योंकि बायचुंग के जो दादाजी है ना वो देखो पहली लाइन पढ़ो, कह रहा है बायचुंग फादर इज 26 इयर्स यंगर, यानी बायचुंग के जो पिताजी हैं
वो बायचू के दादाजी से छोटे हैं, कितने साल, 26 साल छोटे हैं। मींस अगर बायचू के दादाजी की एज में प्लस 20, बायचू के फादर की एज में, बायचू के दादाजी की एज जब निकाले तो बायचू के फादर की एज में कितना कर दें, प्लस 26 कर दें, तो किसकी एज निकल जाएगी, बायचू के ग्रैंड फादर की एज। मीन्स जितना बायचू के फादर की एज है उसमें अगर प्लस 26 कर दें तो बायचू के ग्रैंड फादर की एज निकल जाएगी। इसका मतलब है कि बायचू के जो पिताजी है ना वो बायचू के दादाजी से 26 साल छोटे हैं। छोटे हैं का मतलब बायचू के दादाजी की एज 26 साल ज्यादा होगी, बड़े होंगे वो। तो यस, प्लस 29 प्लस कितना कर दें, 26, कितना इसके आगे यस हो गया। मीन्स बायचुंग के दादाजी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, यस प्लस 29 प्लस 26, इतना बस इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन में अब आगे नहीं पढ़ रहा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, यानी जितने हैं तीनों की, यानी बायचू की एज, बायचू के पिताजी की एज और बायचू के दादाजी की एज, अगर इन तीनों लोगों का क्या कर दो, सम कर दो, यानी ऐड कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाता है, 135 ईयर्स हो जाता है। कितने साल, 135 ईयर्स। मींस आप चलते हैं, ऐड करते हैं, पहले बायचू की एज यक्स हो गई, प्लस बायचू के फादर की एज यक्स प्लस 29 हो गई, और बायचू के ग्रैंड फादर की एज यक्स प्लस 29 प्लस 26 हो गई, है ना। और ये टोटल कितने के हैं, 135 ईयर्स के हैं। तो 1 ईयर्स, 2 ईयर्स और ये 3 ईयर्स, टोटल कितना हुआ, 3 ईयर्स हो गया। चलते हैं ऐड करते हैं, 29 और प्लस 29, इसको ऐड करो, 9 9 18, कैरी 1 2 2 4 और 1 5, 58, और प्लस 26 कर दो तो 8 और 6 14, कैरी 1 5 2 7 7 1 8, कितना हो गया, 84 हो गया। तो प्लस कितना हो जाएगा, 84 इक्वल 135 हो गया, ठीक है, 84 इक्वल 135 हो गया। अब इसको क्या करना है, चलते हैं आगे, तो 3 ईयर्स से 3 ईयर्स इक्वल इक्वल 135, और ये प्लस 84 उधर जाएगा तो माइनस 84 हो जाएगा। मीन्स 3 ईयर्स इक्वल इक्वल 5 5, अब देखो 135 है इसमें से 84 माइनस करना है हमें, तो 5 में से 4 गए 1, और यहाँ बना कितना, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए 5, है ना, तो कितना हो गया, 51 हो गया। मींस यस इक्वल हो जाएगा 51, इधर कोई भी चीज होती है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो, तो 3 हो जाएगा। चलते हैं डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 2 1 3 7 जा 21, कितना आ गया, यस इक्वल 17 ईयर्स। अब सबकी एज अलग अलग निकालनी है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर कर लीजिएगा। अब चलते हम लिखते हैं क्या, चलिए अब इसके आगे लगाएंगे हम लोग, ठीक है, जहां तक हमने यक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और यक्स की वैल्यू कितनी, यक्स इक्वल 17 ईयर्स आ गया, ठीक है। अब हम इसके आगे निकालेंगे, इसके आगे हम लोग क्या निकालना है, अब अलग अलग एज निकालेंगे, क्या लिखेंगे, हियर बायचुंग्स एज बी इक्वल कितना, बायचुंग की एज कितनी है, यस 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 मतलब कितना, 17 ईयर्स, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले ही लिखेंगे बायचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष, फिर क्या लिखेंगे, एंड बायचुंग्स फादर एज
इक्वल कितना हो जाएगा, यस प्लस 29, यानी यस कितना है 17 और प्लस 29 है ना, तो 17 में प्लस 29 करिए तो कितना हो जाएगा 9 7 16 ना, कैरी 1 2 1 3 और 1 4 यानी 46 कितने साल के हो जाएंगे बाईचुंग के पिताजी, 46 इयर्स हो जाएगा बाईचुंग के पिताजी की एज हो गई। एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज इक्वल यस प्लस 29 प्लस 26 इक्वल, तो यस मींस कितना 17 प्लस 29 प्लस 26 तो कितने साल हो जाएंगे ये 6 9 6 6 12 कैरी 1 4 2 6 और 1 7 72 इयर्स, तो ये हो गया आपका आंसर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ बाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष और बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर यस प्लस 29 बराबर 17 प्लस 29 बराबर 46 वर्ष और बाईचुंग के दादाजी की आयु बराबर यस प्लस 29 प्लस 26 बराबर 17 प्लस 29 प्लस 26 बराबर 42 इयर्स। अगर हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है या गलत तो इसको 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 तीनों को क्या कर दो, सम कर दो और अगर सम करने पे 135 आ जाए तो जानो सही है। देखते हैं 17 46 और 72 चलते हैं प्लस करते हैं, तो 6 2 8 8 7 15 कैरी 1 1 1 2 4 2 6 6 7 13 135 मीन्स आवर आंसर आर करेक्ट, हमारा आंसर कैसा है सही है, आपको आंसर चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आंसर भी दिख गया। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोग